हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स पॉइंट। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जनरल मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी विथ अ सिंपल एग्जांपल। एंड आई थिंक अकाउंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो भी कॉमर्स से जो बैकग्राउंड से रिलेटेड है उनके लिए। एंड नाउ अडेज आई थिंक देयर इज़ मोर स्कोप इन अकाउंटेंसी। So let's start our topic. In this video, I explained some of the basic meaning of accounts, and I also explain why we need accountant in our daily business, and what is the role of accountant in our daily life and in our society. This example is very interesting. So let's start. In general sense, accounts means recording, summarizing, analyzing of all business transaction. To understand this meaning of accounting, I take a simple example. Why we need accounting in business? Accounting जो है वो ज़रूरी क्यों है? मैंने एक example लिया है जिसमें दो character हैं. One is a milkman and another one is a shopkeeper. grocery shopkeeper, and they both started a new business, and they initially invested a different amount. क्योंकि ग्रोसरी की शॉप है, बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा अमाउंट की नीड पड़ती है क्योंकि उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं. एंड जो मिल्कमैन हैं उनके ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं हैं. इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज़ कम्पेयर टू जो भी ग्रोसरी वाले की शॉप जो भी होती है उनसे कम ही इन्वेस्टमेंट की नीड होती है. और वो कैसे मेंटेन करते हैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इस एग्जांपल में मैंने ये शो किया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उनके साथ क्या होता है. इन द लेफ्ट हैंड साइड आई शो अ मिल्कमैन एंड इन द राइट हैंड साइड आई शो अ शॉपकीपर. एंड दे बोथ स्टार्ट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड दे स्टार्ट देयर बिजनेस विद सेम टाइमिंग. दोनों ने साथ में ही स्टार्ट किया है बिज़नेस और दोनों का न्यू बिज़नेस है. मिल्कमैन का जो अमाउंट है वो है 10,000 एंड ग्रोसरी शॉप जो शॉपकीपर है उसका अमाउंट है 20,000. दोनों ने इतने में स्टार्ट किया अपना बिज़नेस. सो ये जो है अमाउंट इन्होंने स्टार्टिंग में लगाया है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. क्योंकि कोई भी बिज़नेस अभी भी स्टार्ट करते हैं तब आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. उसके बाद में आप प्रॉफिट जो है वो अपन को बाद में पता चलता है कि आपके सेल्स से आपके एक्सपेंसेस वगैरह घटा के आपके पास कितना बचा है या क्या प्रॉफिट हुआ है. सो इन दोनों ने अपना स्टार्ट कर दिया इनिशियली इन्वेस्टमेंट करके. And next, how accountant can help you in your business and what is your role to manage things? Last slide पे मैंने आपको explain किया था कि दो जो है businessman अपने business start करते हैं. But our definition part is accounts and how accountant and accounts help you in your business and what is the role of accountant. First of all, इसमें एक accountant जो है वो appoint किया and then दोनों का जो भी बिजनेस है जैसे रनिंग चल रहा था वो चल रहा था. एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों जो है बिजनेसमैन मिल्कमैन और ग्रोसरी शॉपर जो भी है वो अपना प्रॉफिट जो है वो जानना चाहते थे. क्योंकि न्यू बिजनेस है तो फिर दोनों को हो गया कि भाई हाँ एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा प्रॉफिट क्या है हमको वो जानना है क्योंकि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया है. तो उन्होंने अकाउंटेंट अपॉइंट किया क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि सबको बिजनेस मैनेज करना होता है. तो अकाउंटेंट अपॉइंट किया तो सबसे पहले जो है अकाउंटेंट मिल्कमैन ने अपॉइंट किया. तो मिल्कमैन जो भी अकाउंटेंट था उन्होंने डिटेल मांगे कि इफ आपको प्रॉफिट जानना है कि आपके बिजनेस का क्या प्रॉफिट है सो आपको अपने सारे जो सेल्स है हैंडलिंग चार्जेस जो भी मेंटेनेंस वगैरह सारे जो चार्जेस है एक्सपेंसेस है वो बताना पड़ेगा डिटेल मुझे ताकि मैं आपका जो भी जो है ओवरव्यू बिजनेस का वो बता सकूँ आपकी सिचुएशन क्या है अभी बिजनेस की. सो मिल्कमैन ने जो है रिकॉर्ड किया था सेल्स उसकी 8,000 रुपीज़
और उसको जो है अपने जो भी एक्सपेंसेस है उसने कुछ भी एक्सपेंसेस अपने नोट नहीं किए किसी में भी, किसमें किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने। तो फिर अकाउंटेंट ने उसको बोला कि इस सिचुएशन में मैं आपको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको ओनली सेल्स की डिटेल पता है, इसमें आपका सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट से सेल्स से मैं आपको बिजनेस की सिचुएशन नहीं बता सकता क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी किए होंगे आपने। देन उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक तरह से आप खुद ही सोचो कि एक अकाउंट्स का मीनिंग हो गया रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन। इफ़ ही डजेंट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन दैन नो वन कैन हेल्प यू टू नो योर बिजनेस, टू नो योर वट इज़ योर सिचुएशन ऑफ बिजनेस। एंड अदर साइड जो है ग्रोसरी शॉपकीपर, उसने भी एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया एट द एंड ऑफ द ईयर। वो भी जानना चाहता था कि उसका क्या सिचुएशन है बिजनेस की, इधर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और नॉट। सो उसने अपने सेल्स की डिटेल बताई, जो भी उसके एक्सपेंसेस की जो भी डिटेल थी उसने एक बुक में रिकॉर्ड करके रखी थी, वो सारी डिटेल उसने अकाउंटेंट को शो की। देन अकाउंटेंट ने पूरा एनालाइज किया कि एक्सपेंसेस अगर आपके ये हैं, ये भी चार्जेस हैं, सेल्स ये है वो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितना डाला है, तो उसने अकाउंटेंट ने उसको पूरा उसको बिजनेस का ओवरव्यू बताया जो कि प्रॉफिट के रूप में शो हो रहा था। सो ये है एक सिंपल सा एग्जांपल, इफ़ अकाउंटेंट जो है आप अपॉइंट करते हो तो उसके काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जो है वो भी रिकॉर्डिंग करना है। सो इसमें डेफिनेशन जो है वो भी डिफाइन होगी, रिकॉर्डिंग ऑल योर ट्रांजेक्शन। देन एनालाइजिंग समराइजिंग का जो काम होता है वो एक अकाउंटेंट का होता है, इफ़ अगर आप खुद कर पाते हो तो वो भी बेटर है, और इफ़ अगर आप नहीं कर पाते हो तो एक अकाउंटेंट जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। सो ये है सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, और इसके थ्रू मैंने एक डेफिनेशन डिफाइन की है अकाउंटिंग की। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन मैंने इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस होती है अकाउंटिंग की, एंड स्टूडेंट बिकम कंफ्यूज इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया था, दोनों को रिकॉर्डिंग करना है अपने ट्रांजेक्शंस जो मैंने मिल्क मैन और ग्रोसरी मैन का लिया था। सो ये डेफिनेशन में आ गया। द सेकेंड इज अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड समराइजिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दीज ट्रांजेक्शन टू ओवरसाइट एजेंसीज रेगुलेटर्स एंड टैक्स कलेक्शन एंटिटीज। अकाउंटिंग जो प्रोसेस हो गया वो समराइजिंग एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग जो है उससे रिलेटेड हो गया, जो भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड हो गया। उसके लिए भी मैंने आपको एक एग्जांपल में एक अकाउंटेंट का जो रोल बताया था वो इसमें आ गया डेफिनेशन में। इट रिवील्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ गिवन पीरियड एंड द वैल्यू एंड द नेचर ऑफ फर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने एग्जांपल में ये भी एक्सप्लेन किया था कि वो दे बोथ वांट टू नो देयर बिजनेस सिचुएशन, ईदर दे अर्न प्रॉफिट और नॉट। सो इसमें ये क्लैरिफाई हो गया कि अकाउंटिंग जो है इसमें 3 प्रोसेस आ गए, एक तरह से रिकॉर्डिंग, टैक्स समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इट रिवील्स प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस इज़ अकाउंटिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू कैन शो योर वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।